इसलिए आज इमरान खान जैसे कहते हैं कि जी ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं है, ये नेहरू का हिंदुस्तान है, तो इनसे कोई ये पूछे हराम खोरो, तुमने नेहरू के हिंदुस्तान को कौन सी इज्जत दी थी, कौन सी इज्जत दी थी उसको? ये कोई बात इसको दोस्तों, कमर चीमा शो में अरविंद जी को बुलाया गया था, सेकुलरिज्म पर चर्चा हो रही थी, लेकिन उसके बाद अरविंद जी ने जो बात कही इमरान खान को लेकर वो तो आपने सुन ही ली। कमर चीमा का चेहरा जो था वो भी देखने लायक ही था, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं कमर चीमा शो की। कमर चीमा शो में अपने जो उन्होंने शो बनाया है उसमें वो डिसाइड कर रहे थे कि भारत को किस प्रकार का होना चाहिए, मतलब कि सेकुलर कंट्री होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, या हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो क्या चाहता है। लेकिन कमर चीमा कभी भी पाकिस्तान के आवाम के बारे में नहीं सोचते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं इमरान खान से, क्या उनकी मांगे हैं वो इमरान खान तक पहुंचाई जाए। खैर छोड़िए, उनकी मीडिया जो है वो असली मुद्दों पर कभी बात करती ही नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की पड़ी हुई है, हिंदुस्तान में किस प्रकार से मुसलमानों को डराया जा रहा है, सताया जा रहा है, इस सब पर चर्चा करेंगे। आमिर खान को लेकर तमाम चीज़ें उन्होंने कही, लेकिन कभी भी उइगर मुसलमानों पर इनका मुँह खुलता है? खैर छोड़िए, उइगर मुसलमानों की तो बहुत बड़ी बात हो जाए की, क्योंकि चाइना के आगे पाकिस्तान के जितनी मीडिया है, जितने लोग हैं, वो दुम ही हिलाते फिर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने एक प्रकार से इनको गुलाम बना लिया है। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान में रह रहे मुसलमान, आईएसआई के जो आतंकी हैं वो किस तरीके से चुन चुन कर मुसलमानों को मार रहे हैं, शिया समुदाय पर किस तरीके का जुल्म ढाया जा रहा है, इस सब पर कभी कमर चीमा बात करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कमर चीमा को इन सब पर बात करने की हिम्मत ही नहीं होती है। अब हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रह रहे हैं, अमन चैन से रह रहे हैं, एक तरीके से मेहमानों की तरह उनको रखा गया है, पाकिस्तान से ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी उनको अल्पसंख्यक के श्रेणी में रखा गया है, सारी सुख सुविधाएं भी दी जा रही हैं, उसके बाद भी कमर चीमा के पेट में दर्द हो रहा है मुसलमानों को लेकर। क्या वो सही मायने में मुसलमानों के हितैषी हैं? अगर ये बात कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म नहीं होगा तो उनके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा, भाई जितने भी देश रहे हैं अभी तक हमने देखा है, जो इस्लामिक कंट्री बने हैं उससे पहले वो कौन से देश रहे हैं, तो खतरा कहां पर है, खतरा किन से है, ये पूरी दुनिया जानती है। अगर इस पर कमर चीमा बात करेंगे और इनकी जो बातें हैं, जिस तरीके की वाहियात बातें जिसमें कोई फैक्ट कभी होता नहीं है, तो वो तो लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन अरविंद जी जिस तरीके से इनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बोलने नहीं दे रहे उनको अपने शो में बुलाकर, और वही वाहियात बातें जिसमें कोई सेंस नहीं होता, कमर चीमा बार बार वही रट रहे हैं, और उसके बाद अरविंद जी उनको डांट भी, फटकार भी लगाते हैं, और ये कहते हैं कि डिस्कशन तभी होगा जब आप बोलने देंगे, समय का भी कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए और चर्चा हर बात पर होनी चाहिए। ये कमर चीमा से कभी हो नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई जो है ये सुन नहीं पाते और वहीं पर बिलबिलाने लग जाते हैं। तो पाकिस्तान जब बना तो आपको 17% रेवेन्यू मिली हिंदुस्तान की, 19% आपको आबादी मिली, 32% आपको आर्मी मिली इस पूरे बड़े सगीर की, ठीक है। ज्यादातर जो मुल्क होते हैं भाई, वो दुश्मन के साइज को देखते हुए एक फौज को पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं। आपने एक बड़ी आर्मी को इनहेरिट किया है और फिर आपको लगा कि यार ये पाल जो ली है तो अब हमें इसके साइज का दुश्मन भी बनाना है, तो आपने इंडिया से दुश्मनी कर ली, तो आपने दुश्मन पैदा किए हैं। तो हम वो मुल्क हैं, हमने अपने 5,000 साल की हिस्ट्री में इन हिंदू कुश पहाड़ियों को पार करके हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया। मुसलमानों को मक्का और मदीना में जाने तक की इजाजत नहीं देते, वहां पे मंदिर बनाना तो दूर की बात है, वहां पे मंदिर बनाना दूर की बात है, गैर मुसलमान जा तक नहीं सकता, पहले ही जो है बाईपास आ जाते हैं हाईवे से कि फॉर नॉन मुस्लिम से अपना रास्ता पकड़ लो, यहीं से बाहर के बाहर ही निकल जाओ। इंडिया का मुसलमान सेकुलरिज्म इसलिए चाहता है ताकि उसकी शनाख्त बची रहे, वो चाहता है कि अगर हिंदू डोमिनेंट कंट्री बन गया तो ये तो उसी तरह करेंगे, मसाजिद गिरा देंगे, जिस तरह ये गिरा के तो सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगवा लेते हैं। जिस तरह से आपका अकीदा है, हमारा भी एक अकीदा है कि हमारे भगवान श्री राम उस जगह पे पैदा हुए थे, तो इस गंगा जमुना तहजीब के चलते मुसलमानों को चाहिए था कि इस मुल्क में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यार, इनकी भी कोई, इनका भी एक अकीदा है, आस्था है, जिसको अकीदे को हिंदी में आस्था कहते हैं, जिनको नहीं पता, मे बी इंडियंस देख रहे हो प्रोग्राम आपका, वैसे ज्यादातर इंडियन ही देखते हैं आपको, खैर तो हाँ, तो हमारा भी एक अकीदा है, तो हमें ये जमीन दे देनी चाहिए। तो मुसलमानों को तो बगैर कोई लड़ाई फसाद के या दंगे के जमीन दे देनी चाहिए थी। एक ही भगवान राम है, एक ही जगह पैदा हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर जो हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद है उसके नीचे से भगवान राम पैदा हो जाएंगे,
नॉट पॉसिबल। एक ही जगह, हमारे हर शहर में आप जहां मर्जी चले जाएं, काशी हो, मथुरा हो, ठीक है, कोई भी हमारा जो मुकद्दस पवित्र शहर हिंदुओं के हैं, आपको हमारे यहां पर शाना बशाना मंदिरों के साथ में मस्जिदें मिलेंगी। ठीक है साहब, आपका जहां पर अकीदा है मक्का मदीना, जो कि आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंस रखता है, उसकी इतनी ज्यादा एक अहमियत है जितनी हमारी अयोध्या के लिए है, भगवान श्री राम के लिए है, तो आपको चाहिए था कि आप वो जमीन हमें दे देते। और मैं सामने से अगर आपसे पूछूं, यार आप तो गैर मुसलमानों को मक्का वहां पे मक्का और मदीना में जाने तक की इजाजत नहीं देते, वहां पे मंदिर बनाना तो दूर की बात है, वहां पे मंदिर बनाना दूर की बात है, गैर मुसलमान जा तक नहीं सकता, पहले ही जो है बाईपास आ जाते हैं हाईवे से कि फॉर नॉन मुस्लिम से अपना रास्ता पकड़ लो, यहीं से बाहर के बाहर ही निकल जाओ। आप तो टॉलरेंस किस में है, ये इस बात का, इसकी जो आपकी बात का जवाब है, टॉलरेंस हम में थी साहब, इसीलिए इस बड़े सगीर में हमारे मंदिरों के बराबर में मसाजिद हैं। हमारे यहां पर आज भी आपसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, सुबह आंख खुलती है अजान के साथ, और अजान होती है तो कोई ये नहीं कहता कि जी ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, सारे एहतराम करते हैं उसका, बावजूद इसके कि आप हमें दिन में 5 बार ये याद दिलाते हैं कि आपके जो भगवान है वो इबादत के लायक नहीं है। मैं खड़ा होके लाहौर में या फिर कराची में, कहीं भी पाकिस्तान में खड़ा होके अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं ना कि मेरे राम के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है दूसरा भगवान, मेरा गला काट दोगे, एक सेकंड ही रहने दोगे वहां पे। नहीं, मैं सही कह रहा हूं, मैं मंदिरों में कोई ये नहीं कहता, हमारा अकीदा ये नहीं है, हमें ये नहीं सिखाया जाता। सुने 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 बात सुने साहब, हमारे यहाँ पे ही हमारे लीडर्स ने, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने जब कोई भी प्रेयर बनाई या कुछ भी कहा, उसमें सबको बराबरी की जगह दी। इसलिए आज इमरान खान जैसे कहते हैं कि जी ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं है, ये नेहरू का हिंदुस्तान है, तो इनसे कोई ये पूछे, हराम खोरो, तुमने नेहरू के हिंदुस्तान को कौन सी इज्जत दी थी, कौन सी इज्जत दी थी उसको? ये कोई बात इसको कह, ये कोई बात नहीं, बात नहीं हुई है कोई ऐसा है। 5 बार आप हमसे कहते हैं हिंदुस्तान की ये टॉलरेंस है कि हमारी मेजोरिटी कम्युनिटी इसको सहन करती है, बर्दाश्त करती है। आप कह रहे हैं एक आखिरी, सुने मैं इसी हवाले से मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को सेक्युलरिज्म इतना प्यारा है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं अपना लेते? खुदा कहता है कि तुम किसी के भगवान को या किसी के खुदा को गालियां मत दो, ये अल्लाह अल्लाह ताला कहते हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई दे, अगर कोई दे रहा है, गलत कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, तो अल्लाह ताला के हुक्म की हुक्म अदूली कर रहा है, सिंपल सी बात। आपको हिंदू मजहब को दोबारा पढ़ने की जरूरत है साहब। जब आप ये कहते हैं कि जब कोई हिंदू बैठ के अपने भगवान को याद कर रहा होता है तो वो दूसरे के जो भगवान है, खुदा है, उनको नेगेट करता है, मतलब उनको वो नहीं मानता है, ये थ्योरी आपकी बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ पे अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग भगवानों को याद किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ सरस्वती की भी पूजा होती है जो कि इल्म की देवी है, हमारे यहाँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है जो कि धन की देवी है, ठीक है, हमारे यहाँ राम भी पूजे जाते हैं। अब मुझे प्लीज बोलने दे, अब आप ना बोले, हम हमारे यहाँ पे राम भी पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजी जाती है, कृष्ण भी पूजे जाते हैं, बहुत सारे भगवान पूजे जाते हैं। और जब और कोई भी हिंदू आपको ये बता देगा कि अगर कोई राम की पूजा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कृष्ण को या दुर्गा लक्ष्मी जो है, सरस्वती, दूसरे जो देवी देवता हैं, उनको नहीं मानता, ऐसा है नहीं। ये आपकी थ्योरी जो है 100% गलत है, ये मैं आपको यहां बता दूं। इस मिट्टी के अंदर, इस हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर बहुत सारे मजहब जो हैं यहां पैदा हुए हैं, सिखिज्म भी यहीं पैदा हुआ, हिंदुइज्म भी यहीं थे, ठीक है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, उसके बाद में यहां पर इस्लाम भी आया, यहां पर क्रिश्चियनिटी भी आई, यहां जो भी आया हमने सबको अपना बनाया। हमने ये नहीं कहा कि हमें मजहब के नाम पर अलहदा मुल्क दो, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा। जब इस बड़े सगीर के टुकड़े हुए, जब इस पूरे भारत के टुकड़े हुए, दो मुल्क वजूद में आए, एक हिंदुस्तान जिसने अपने आईन में सेकुलरिज्म लिखा,
एक पाकिस्तान जिसने अपने आईन में इस्लाम लिखा, साहब आपने इसके, आपने तो नहीं, खैर आप तो सिख थे उस जमाने में, चंद मुसलमान खानदानों ने इस बरे सगीर पर 1000 साल हुकूमत की, चंद मुसलमान खानदानों ने। जब वक्त आया कि इस मॉडर्न दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी का, और डेमोक्रेसी सारा खेल है नंबर्स का, तो उसमें आपको जानते थे आप कि इस यहां पे हिंदू मेजोरिटी में होगा, लेकिन आपने क्या किया कि नहीं, जब हमारा रूल करने का वक्त आया तब ने कहा नहीं नहीं हम साथ नहीं रह सकते। भाई हम कैसे रह लिए साथ 1000 साल, हमने तो नहीं कहा कि हमें अलग मुल्क बना के दो मुसलमानों से अलग। आपको ऐसे ना करें, आप आप बोले जा रहे हैं प्रोग्राम, आपको सुन रहा हूँ, आपका मौकफ है सुन रहा हूँ, रिस्पेक्ट करें। आप अपना मौकफ आपने दिया है, मुझे लेक्चर ना दें, मेरे से हम डिस्कशन कर रहे हैं मूव फॉरवर्ड की बात करने के लिए। सुन ले ब्रदर, सुन ले अरविंद साहब, सुन ले। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ मॉडरेटर, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कहा मिनिमम कॉमन एजेंडा। आपने बड़ी खूबसूरती से 3-4 बातें की, मैं उन्हीं से 3-4 बातों का जवाब देके इसको राउंड अप करता हूँ। पहली बात, पाकिस्तान कहता है कि भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है और कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्दों को भेजना बंद करेंगे, तो ये मिनिमम कॉमन एजेंडा है। एक बात, अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द जमातें हैं, जो तहरीके टीटीपी है और जमातो लहरार है, और जो हमारे जो बलोचिस्तान में बैठे हैं उनको आप फंड करते हैं, ये फंडिंग करना बंद करें, ये है मिनिमम कॉमन एजेंडा। अगर आपने ये कम करना बंद किया तो चीजें आगे नहीं चल सकेंगी। आपने बात की नेशनल डिस्कोर्स की, ये पाकिस्तान के लोगों ने फैसला करना है कि नेशनल डिस्कोर्स क्या है। दिल्ली में बैठ के ये कुछ लोगों ने फैसला नहीं करना कि पाकिस्तान का नेशनल डिस्कोर्स क्या है, ये हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था हमारा नेशनल डिस्कोर्स क्या है। और दिस राइट गोज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द डेमोक्रेसी एंड द, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट बैठ के फैसला करेगी। आप ना मुझे बताएं न्यूजीलैंड में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन में बैठ के ना बताएं इस्लामाबाद ने कैसे चलना है, ये आपका डोमेन नहीं है। हमारा डोमेन सिर्फ ये है कि हाँ, और आपने बात कीजिए शेयर्ड हिस्ट्री, दिस इज द जॉब ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम वेयर दे वांट टू गेट अ शेयर्ड हिस्ट्री। आई स्पोक यू अर्लियर कि शेयर्ड हिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू एथनिसिटी, दिस कम्स फ्रॉम दिस रीजन, एंड द शेयर्ड हिस्ट्री विच वी शेयर ऑन द रिलीजियस बेसिस दैट कम्स फ्रॉम द अरब वर्ल्ड। सो इसमें दो राय नहीं है। सो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान नो कि उनकी शेयर्ड हिस्ट्री एथनिसिटी की कहां पे है और रिलीजन की क्या है, क्योंकि किसी बंदे की भी कोई एक हिस्ट्री जो आइडेंटिटी नहीं होती, मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ आप होते हैं। रिलीजियस आइडेंटिटी है आपकी, क्लास आइडेंटिटी है, सोशल आइडेंटिटी है, आप जिस फ्रेमवर्क में होते हैं। सो एक तो चीज है। सो अगर आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा ये समझे क्यों जी पाकिस्तानी जो है ना वो आधा तीतर आधा बटेर, और वहां से बैठ के हमें बताना चाहते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत पैंट कोट टाई लगा के लेक्चर देंगे आप हमें कि जनाब आप अपने आप को इस तरह कर लें तो बेहतरीन हो जाएंगे। हम भी आपको यही कह रहे हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आपने 51 में बनाया उसी के ऊपर रहे, उसको 2014 के बाद बदल के मुसलमानों को एक सेकेंड ग्रेड और सिखों को थर्ड ग्रेड सिटीजन 1984 में आपने कर दिया था, तो वो ना करें। मैंने ऐसी कोई नब्ज आपकी नहीं पकड़ी है जिसके ऊपर कि आप ये कह सके कि जी इस मैंने कोई फला कोई यहाँ वहाँ की, मैंने सिर्फ आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बात की है सारी। सर आप हो रहे हैं पर्सनल, आप हो रहे हैं पर्सनल जहां तक सेकुलरिज्म का ताल्लुक है। एक सेकंड 70 साल 72 साल हम सेकुलरिज्म पर ही आज तक चलते आए हैं। हमारी गवर्नमेंट को इस खित्ते के अंदर मजहब के नाम पे सियासत करी 70 सालों में, आपने पाकिस्तान बनाया आपने, हमने उस वक्त मजहब की सियासत नहीं करी। आज अगर 70 साल बाद अगर हिंदू अगर मजहब की सियासत कर रहा है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है, आपको तकलीफ किस बात की है? क्या आपके पास ठेका है? आपके पास ठेका है? नहीं है
सियासत करें ये ठीक है, जय श्री राम के नारे पे सियासत करें वो आपको पसंद नहीं है। आज आप मान गए क्या भाई, आज आप मान गए कि आज हिंदू हिंदू मजहब के ऊपर सियासत कर रहे हैं तो हमें मिर्चे लग रही, हमें नहीं लग रही, आपके लोगों को लग रही है। हिंदू नेशनलिज्म सुने, हिंदू नेशनलिज्म जो है वो एक रियलिटी है, ठीक है, वो एक रियलिटी है कि हमारा जो राष्ट्रवाद है, क्योंकि आप लोगों ने तो नेशनलिज्म से तो आपका ताल्लुक ही नहीं है। पूछे क्यों, अल्लामा इकबाल ही कह के गए थे ना, इन ताजा खुदाओं में सबसे बड़ा खुदा वतन है, जो पहरान है इसका वो मजहब का कफन है, ये किसी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था क्या? चले तुमको कुफर कौन मानता है, नेशनलिज्म को आपने अपना सुन ले, जब मुल्क का बंटवारा हुआ पाकिस्तान को, और रिस्पेक्ट तो कर ले, मेरी बात तो सुन ले, ठंडे हो जाए, कोई बात नहीं, मुझे बड़ा ठंडा हूँ, मैं बड़ा ठंडा हूँ, सुने काइंडली सुने प्लीज, मैंने ये 40 मिनट में भाई साहब सुने तो सही यार, सुने मेरे भरे भाई, बड़े भाई जान सुन ले बात, आप बेरे बोल रहे हैं, आपको 36 मिनट में सुन ले यार, सुन ले खुदा मुझे माफ कर दे, मुझसे कोई गलती हुई, बड़े भाई हैं, माफी दे दे भाई, माफ कर दे, चुप कर दे।